हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे जितनी भी नेशनल पार्क्स यहाँ पे गुजरात स्टेट के अंदर हैं वो हम कवर करेंगे। विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अभी तक अगर बात करें 5 स्टेट्स के बारे में हमने, और उसके साथ साथ हमने 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स उनके अंदर है उनको कवर करा है। आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड दोज लेक्चर्स, और अगर उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा एक बार उन लेक्चर्स को आप देख लें, ताकि आप उन लेक्चर्स के अंदर से इम्पॉर्टेंट जो फ्लोरा फना है, कहाँ पर वो लोकेट करती है, कौन कौन से रिवर्स उनके अंदर ड्रेन आउट होते हैं या किस तरीके से कौन कौन से रिवर्स हैं उनके अंदर, ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये ऐसे यानी यहाँ पे आपको पीडीएफ है जिस पीडीएफ से अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये मैं आपको तब डंके की चोट पर कहूँगा जब आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। अगर उस तरीके से कहीं पर भी नेशनल पार्क के लेवल का कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ पर मैं आपको विद प्रूफ ये आपको बताऊंगा, बिकॉज टाइम ना मिलने के कारण कुछ लेक्चर्स ऐसी हैं जिनमें से काफ़ी कंटेंट एग्जाम में पूछा भी गया है और मैं यहाँ पे लेक्चर्स को नहीं बना पाता हूँ। होप सो कि मे बी द डिमेरिट की ये वीडियोस जो हैं ज़्यादा ट्रेंड नहीं करती हैं, बट इट्स अप टू यू क्या आपको अपनी लर्निंग के लिए कितनी यहाँ पे हार्डवर्क पुट करनी है। जो मैं आपके लिए हार्डवर्क पुट कर रहा हूँ आपको डेफिनेटली उसका सही यूटिलाइजेशन करना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है। सो आज यहाँ पे हम गुजरात स्टेट के अंदर जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। कुल मिलाकर अभी तक हमारे इंडिया के अंदर 105 नेशनल पार्क हैं अब यहाँ पे एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे अगर गुजरात के अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर 4 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे राजस्थान की बात करी थी तो 5 नेशनल पार्क देखने को मिलती थी। अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जैसे यहाँ पे वनसदार नेशनल पार्क कौन सी स्टेट के अंदर है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बात करें 5 कौन कौन सी नेशनल पार्क है। पहली बात करें ब्लैक बक या इसको वेलावदर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड अगर नेशनल पार्क की बात करें वनसदा नेशनल पार्क के गुजरात स्टेट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे मैरीन नेशनल पार्क, ये पहली मैरीन नेशनल पार्क इंडिया की जो गल्फ ऑफ कच्छ यानी गुजरात स्टेट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ की बात करेंगे तो गिर नेशनल पार्क यहाँ पे, ये भी गुजरात स्टेट के अंदर लोकेटेड है। अब यहाँ पे वन बाय वन विद इन 5 मिनट्स हम इनकी डिस्कशन करेंगे और इनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्लैक बक या इसको वेलावदर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात स्टेट के अंदर है। और बात करें गुजरात स्टेट के जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से है। अगर भावनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें आप सभी ने एक फेमस आईपीएस ऑफिसर का नाम सुना होगा, सफन हुसैन। इन्हें सफन जो हैं वो यहाँ पे आईपीएस जो अभी 2016 या 18 बैच के में भी थे वो यहाँ पे भावनगर से ही हैं। बात करें यहाँ पे ये वेस्टर्न शोर ऑफ द गल्फ ऑफ जो कंभाट है वो आपको देखने को मिलता है, और गल्फ ऑफ कंभाट इस प्रकार से दिखता है यानी जो सौराष्ट्र का जो सौराष्ट्र रीजन है इसको भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब बात करें इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर करा गया था, तो 1976 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया है। इस पार्क के अंदर आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक का नाम है यहाँ पे परवेलाई और दूसरे का नाम है यहाँ पे एलांग रिवर। यहाँ पे आपको 2 मिलते हैं इस यहाँ पे पार्क के अंदर, जो दोनों के दोनों बाद में ड्रेन आउट कहाँ पे होते हैं, जो गल्फ ऑफ कैम्बे है वहाँ पे आपको ये ड्रेन आउट होते हुए देखने को मिलते हैं। बात करें इस नेशनल पार्क की जो यूनिकनेस है वो क्या है, क्योंकि इस नेशनल पार्क के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, यानी जो ग्रासलैंड हैबिटेट है वो आपको देखने को मिलेगा, श्रब लैंड्स आपको देखने को मिलेगी। आपको पता कि कोस्टल एरिया के होने के कारण गुजरात में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है, लगभग 1600 किलोमीटर का कोस्टल एरिया खाली और खाली आपको गुजरात स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको सेलाइन प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे मड फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पे आपको एश्यूरीज यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बात करें यहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा देखने को मिलती है या नहीं एश्यूरीज, तो ये कम देखने को मिलती हैं बर्ड्स। बात करें यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो जैसे पेलिकन्स की बात करें, ये फना है, फ्लेमिंगोज की बात करें, डक्स की बात करें, वेडर्स की बात करें, कूट्स, वाइट स्टॉक्स की बात करें, पेंटेड स्टॉक्स की बात करें या सरस क्रेन्स की बात करें, तो यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क में ये आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे मैमल्स की बात करें तो ब्लैक बक जो अपने आप में यहाँ पे जिसके लिए इस नेशनल पार्क को डिक्लेयर करा गया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बाद नील गाय, उसके बाद वाइल्ड बोर, इंडियन ग्रे वॉल्फ, स्ट्राइप्ड हेना, इंडियन फॉक्स, गोल्डन जैकल, जंगल कैट, हेयर गिरबिल,
फील्ड माइस, मुंगूस, हेडगोहॉग, वॉल्स, वाइल्ड पिग्स और रोडेंट्स आपको यहाँ पे इस नेशनल पार्क के अंदर एनिमल्स देखने को मिलते हैं, मैमल्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस पार्क को, यहाँ पे 4B गुजरात राजवाड़ा बायोटिक प्रोवेंसेस के अंदर रखा गया है, ताकि ये क्या है, सेमी एरिड बायोजियोग्राफिकल जोन है, इसीलिए इसको 4B गुजरात राजवाड़ा बायोटिक प्रोवेंसेस के अंदर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे अभी वनसदा नेशनल पार्क की बात करें, कई बार एग्जाम्स के अंदर इस नेशनल पार्क का जिक्र देखने को मिलता है और पूछा जाता है। ये बात करें गुजरात स्टेट के अंदर है और यहाँ पे नवसेरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेट करती है। ये सह्याद्री रेंज का पार्ट है, जो वेस्टर्न घाट में आपको सह्याद्री रेंज आपको देखने को मिलता है मिडिल में, यानी यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न घाट और साउथ वेस्टर्न घाट के जो बीच का जो पोर्शन आता है महाराष्ट्र और कुछ यहाँ पे आपको गुजरात का, यानी महाराष्ट्र गोवा का थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, उस रीजन को यहाँ पे सह्याद्री रेंज कहा जाता है। इट मीन्स वेस्टर्न घाट को दूसरे नाम से सह्याद्री से भी जाना जाता है, यहाँ पे ये लोकेट है। बात करें इसको 1979 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था। यहाँ पे आपको इसके अंदर यहाँ पे काटास, जिसको बम्बो का कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इस नेशनल पार्क के अंदर। और यहाँ पे लगभग 1952 के से लेके अभी तक यहाँ पे कोई भी ट्री की कटिंग नहीं हुई है, या कोई भी यहाँ पे इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन कॉज नहीं करा गया, जस्ट फॉर यू नो पब्लिक पर्पज़ या जस्ट फॉर यू नो मैन मेड पर्पज़, जस्ट फॉर ह्यूमन पर्पज़। उसके बाद बात करें इस पार्क के अंदर ज़्यादातर आपको मोस्ट डेसीडियस और ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर ये बम्बोस के लिए ज़्यादातर आपको ये फेमस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको टॉल टीक ट्रीज देखने को मिलते हैं, ऑर्काइड्स देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद गिगनेटिक क्रीपर्स आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ यहाँ पे प्रीडोमिनेंट ट्री की स्पीशीज भी इस फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बात करें इस फॉरेस्ट की कैनोपी आपको इतना देखने को मिलेगी कि ये दिन के टाइम भी ऐसा लगता है कि अंधकार सा है कुछ टाइम, इसका जो पोर्शन है इस पार्क का वो ज़्यादातर यहाँ पे डे टाइम के अंदर भी डार्क रहता है। इस पार्क के अंदर कौन कौन से मैमल्स हैं प्रेजेंट, एक बात करें लेपर्ड की बात करें, रेसिस मैक्यू की बात करें, ये मंकी की एक सब स्पीशीज़ है, जॉइंट स्क्विरल की बात करें, वाइल्ड बोर की बात करें या हनुमान लंगूर की बात करें, तो ये मैमल्स यहाँ पे इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पे रेप्टाइल्स की अबंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे पाइथन की बात करें या फिर वेनमस स्नेक्स की बात करें जिसका नाम रसल्स वाइपर है, या कोबराज या क्रेट्स की बात करें, तो इस प्रकार के ये आपको वेनमियस स्नेक्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको लोकल ट्राइब्स भी रहते हैं इन पार्क्स के अंदर, जैसे आप भील के बारे में आप सुना होगा ट्राइब हैं, ये गुजरात के अंदर भी रहते हैं। गैमिट की बात करें, वर्ली की बात करें, कोकनी कुनबी एंड डेंगी ट्राइब्स की बात करें, तो ये ट्राइब्स यहाँ पे इस पार्क के अंदर रिजाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैराइन नेशनल पार्क की बात करें, ये मैराइन नेशनल पार्क कई बार किसी SSC एग्ज़ाम छोड़ के JKSSB एग्ज़ाम में और कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए UPSC और स्टेट PSC के अंदर भी पूछा जाता है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर लोकेट है। बात करें ये सदर्न कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, यानी जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे ये मैराइन नेशनल पार्क है। ये बात इसलिए जानना ज़रूरी हो जाती है इसके बारे में, क्योंकि जो मैराइन नेशनल पार्क है ये फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क है इंडिया की, तो ये बात आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में है। इसको कब नेशनल पार्क का टैग दिया गया था या डेजिग्नेटेड किया गया था, तो 1982 में इसको डिक्लेयर करा गया है। बात करें यहाँ पे इस नेशनल पार्क के आसपास आपको 42 आइलैंड्स यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर देखने को मिलते हैं, उनमें से जो 33 आइलैंड्स हैं उनके अंदर आपको कोरल रीफ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी ऑप्शन में आपके पास आए कि क्या गुजरात स्टेट के अंदर कोरल रीफ प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, टिक करना है, यस बोलना है या हाँ करना है, या उसको सही मार्क करना है कि यस देर आर कोरल रीफ्स इन गुजरात स्टेट। और यहाँ पे आपको जो इंडियन कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार में आपको देखने को मिलते हैं कोरल रीफ्स, जनरली आपको चार जगहों पे कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, अंडमान और निकोबार से अंदर आपने देखने को मिलेंगे, उसके बाद उड़ीसा के कोस्ट पे आपको देखने को मिलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप के आइलैंड्स के भी ऊपर देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे 5 प्लेसेस की बात करें तो गुजरात भी यहाँ पे आपको गुजरात के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको लाइव कोरल्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लाइव के साथ साथ डेड कोरल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें कुछ इसके अंदर जो वो यहाँ पे 42 आइलैंड्स हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे ये एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया तभी मैंने यहाँ पे ये मेंशन करा है, पिरोटेन करुभार नरारा एंड पशित्रा आइलैंड्स यहाँ पे गुजरात के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर मेजर इकोसिस्टम की बात करें, जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो प्रेजेंट है यहाँ पे मैराइन नेशनल पार्क में,
वहाँ पे आपको कोरल रीफ इकोसिस्टम देखने को मिलता है, मैंग्रोव देखने को मिलते हैं, मड फ्लैट्स आपको देखने को मिलेगी, क्रीक्स आपको देखने को मिलती है, सी ग्रास और सी वीड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एशरीज आपको देखने को मिलती हैं, सैंडी स्ट्रैंड्स और सेलाइन ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेगी, मार्शी एरियाज और रॉकी शोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी इकोसिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ये मैराइन लाइफ और बर्ड लाइफ को क्या करते हैं, काफ़ी रिचली वे से सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आज की लास्ट नेशनल पार्क गुजरात स्टेट की, तो गिर नेशनल पार्क, अक्सर इसको पहले कवर करा जाता है लेकिन मैं इसको सबसे लास्ट कवर कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जैसा शुरू में है वैसा यहाँ पे भी बन पाए। ये यहाँ पे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, जो काठियावाड़ का प्रोविंसेस का एक पार्ट है, वहाँ पे आपको गिर नेशनल पार्क देखने को मिलेगी गुजरात स्टेट के अंदर। यहाँ पे आपको डेसीडियस, ड्राई डेसीडियस यहाँ पे आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा, यानी गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इस नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे, ये एक यूनिक पार्क है हमारी इंडिया की, और इसकी अगर टोटल गिर फॉरेस्ट की बात करें तो ये भी गुजरात स्टेट के अंदर, इसकी टोटल एरिया की बात करें लगभग 1412 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे गिर नेशनल पार्क स्प्रेड है गुजरात स्टेट के अंदर। ये दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड होता है, एक गिर ईस्ट और गिर वेस्ट के अंदर ये गिर नेशनल पार्क डिवाइड करी गई है। बात करें नेशनल पार्क और यहाँ पे ये गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसको यहाँ पे ससन गिर और गिर वैन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके दूसरे नाम है। गिर नेशनल पार्क को ससन गिर और गिर वैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें गिर की बात करें, ये ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ वॉल्ड पॉपुलर जो एशियाटिक लॉइंस है, एशियाटिक लॉइंस की सबसे यहाँ पे नेचुरल हैबिटेटेड जो साइट है वो यहाँ पे आपको गुजरात के गिर नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी, ये है एशियाटिक लॉइंस। उसके बाद वैरायटी ऑफ फौना की बात करें तो आपको यहाँ पे लेपर्ड आपको देखने को मिलेंगे, मंगूस आपको देखने को मिलेगी, मगर, हीना, जैकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा ये गिर नेशनल पार्क इसके लिए एशियाटिक लॉइंस के लिए फेमस है, इतना सा आपको याद रखना है। यहाँ पे 7 जो पर्नियल रिवर्स हैं वो यहाँ पे इस गिर फॉरेस्ट से पास होते हैं, जिसमें से एक है हिरन, सरस्वती, दातरदी, शिनगोडा, मचुंद्री, गोडावदी और रावल, यहाँ पे ये 7 मेजर पर्नियल रिवर्स हैं जो इस नेशनल पार्क से, यानी इस गिर फॉरेस्ट से पास आउट होते हैं। यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिसको आप मलधारीज के नाम से भी जानते हैं, और ये एक इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे शुरू करा गया था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, जिसको GEF कहा जाता है। ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट करा गया था, फंडेड यहाँ पे इनके द्वारा, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा ये फंड करा गया था, लेकिन इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो ये याद रखना आपको, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रखा गया था, ये इंप्लीमेंट करा गया था। और ये यहाँ पे 7 प्रोटेक्टेड एरिया में से एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये किसको प्रिजर्व करता है, एशियाटिक लॉइन की पॉपुलेशन को प्रिजर्व करता है। इसी के साथ हमने यहाँ पे गिर नेशनल पार्क की बात करी, मैराइन नेशनल पार्क की बात करी, वंसदा नेशनल पार्क की बात करी, और ब्लैक बक जिसको वेल वदर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इनकी हमने बात करी। आई होप दिस लेक्चर हैज़ गिव यू ह्यूज बेनिफिट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, इन योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। सो आई होप यू हैव गॉट द गुड कंटेंट। और अगर आपको ये लेक्चर सही लगी है, क्या अगर आपको ये प्लेलिस्ट चेक करें इसकी, और यहाँ पे जो कंप्यूटर का टेस्ट अपलोड हुआ है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, इफ़ यू आर कंपीटिंग फॉर JKSSB एग्जाम्स, तो आपको लिए कंप्यूटर एक बैकबोन बन जाता है एग्जाम की। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और हमें फीडबैक ज़रूर दें, सो दैट आई कैन स्पेशली इनरिच माई कंटेंट एज वेल एज माई टीचिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे अहेड।